ये जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी इससे पहले वाला जो हमने मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ा था, जो चैप्टर नंबर 1 था, उसमें से सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनेंगे, वो भी नहीं बनेंगे। एक तो आपका ग्रामर रूल और एक दूसरा इनवर्स मेथड। अगर पहले चैप्टर में से आया तो यही आएगा, ठीक है ना? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आया, और मे भी मेरे को नहीं लगता कि ये दोनों आएंगे, लेकिन अगर गलती से आ गया तो आपकी मर्जी है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसका मतलब क्या है? आपको क्वेश्चन क्या होगा ना, आपको क्वेश्चन में एक तो पूरी लाइन दी हुई होगी, आपको उस पूरी लाइन को पढ़ना है, और उस लाइन को पढ़ने के बाद आपको खुद ही मैट्रिक्स बनाना है, और उसी मैट्रिक्स को फिर बनाने के बाद आपको सॉल्व करना है। सुनने में आसान लग रहा है लेकिन है नहीं। मैट्रिक्स बनाने का तरीका ही ऐसा भी होना चाहिए कि जब किसी में दो मैट्रिक्स को सॉल्व करूं तो उससे सॉल्व हो जाए, इसलिए हार्ड है। आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम की ये पूरी स्टेटमेंट दी होगी, आपको उसी से मैट्रिक्स बनाना है। अब आप मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? रॉ इनटू कॉलम है। अब दिक्कत ये होगी कि मैं कितना रॉ रखूं, कितना कॉलम रखूं, या किस एलिमेंट को रॉ में रखूं और किस एलिमेंट को कॉलम। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा आप मैट्रिक्स बना नहीं सकते। और मैट्रिक्स बनाने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये आर इंटू सी पहले वाले मैट्रिक्स का, और दूसरे वाले मैट्रिक्स जो यानी बी है उसका आर इंटू सी, यानी पहले वाले का सी यानी कॉलम और दूसरे वाले का रॉ, जब तक बराबर नहीं होगा ना तब तक ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने इसको वीडियो में अपलोड कर दिया, इसे आप दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए, तभी सॉल्व होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, पहले आपको उतारना है ये बेसिक वाला, ये उतार लो, ये वाला ये पॉइंट आप उतार लो। तो मैं आपको सबसे पहले आसान से करवा रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा हार्ड पढ़ाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा और हार्ड करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बने। देखो इसमें एक लाइन लिखी है कि ऑटोमोबाइल डीलर सेलर टू कार मॉडल। तो एक ऑटोमोबाइल कौन होता है जो एज अ प्रॉपरली कार वगैरह सेल कर रहा है, जो कि टू कार मॉडल है। एक को उसने स्टैंडर्ड बोला है और एक को डीलक्स बोला है, यानी दो टाइप की कार है जो एक तरीके से वो बेचता है ना, एक डीलक्स हो गया और एक स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है? तो याद रखना, जब भी ऐसा कुछ आपको पॉइंट मिले और जो चीज आपको पहले मिलेगी उसको आपने ऐसा ऊपर रखना है, बाकी के जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आपने साइड में रखने हैं। लेकिन मैं इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, वैसे किसी क्वेश्चन में बना नहीं होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 उसमें बना नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें बना हुआ है, तो इसमें बना है तो अच्छी बात है। देखो इसमें बना बनाया दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड कार है जिसमें दो कलर आते हैं, एक व्हाइट और एक आपका है रेड, ठीक है? और ये जो आते हैं ये, और ये इसमें हो गया, और ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 4 है। और बी क्या बता रहा है? बी जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि सेल कितना हुआ पूरे साल में, यानी दो सॉरी इसमें दो दिया हुआ है, जनवरी और फरवरी का सेल बता रखा है, 3 2 1 3। अब बुक आपके पास अगर होगी तो आप इस चीज को देखो, आप इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। मेरे पास दो एज अ कार है, ठीक है ना? दो अलग अलग वैरायटी के कार है और उसमें कलर है व्हाइट और रेड। तो अगर मैं इसे पढ़ू मैट्रिक्स को, तो इससे पढ़ूंगा कि स्टैंडर्ड के व्हाइट 2 है मेरे पास और रेड 3 है। तीन।
और डीलक्स का एक और ये चार, ठीक है। अब ये तो हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल है, ये बी बता रहा है एज अ प्रॉपरली बी की क्वालिटी, ये आपका जैन का सेल और ये आपका फैब का सेल, ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए सेल फॉर द मंथ जनवरी एंड फरवरी गिवन बिलो, फाइंड द टोटल सेल। आपको टोटल सेल निकालना है, और जब भी हम किसी चीज का टोटल करते हैं इसका मतलब है आपको जनवरी के भी एलिमेंट को जोड़ना है और फरवरी के भी, ठीक है ना। तो जनवरी में मैंने कितने सेल किए, स्टैंडर्ड कार में से दो व्हाइट सेल कर दिए, तीन रेड सेल कर दिए, डीलक्स में से एक डीलक्स व्हाइट भेज दी और चार मैंने रेड वाली डीलक्स भेज दी, ठीक है। ये तो मेरी जनवरी की सेल है और बी की ऑलरेडी दे रखा है कि मैंने स्टैंडर्ड तीन व्हाइट बेची, दो रेड, और डीलक्स में एक तीन और ये। तो आप क्या करो, इसको नॉर्मली वे में हम जैसे जोड़ते हैं कि टू थ्री वन फोर प्लस टू थ्री ये भी सेम ही है क्या, टू थ्री वन फोर है, थ्री टू वन फोर है, बी के टू थ्री, हाँ थ्री टू वन थ्री, वन थ्री है ना, थ्री हाँ थ्री टू एंड वन एंड थ्री। अब आप इसको जोड़ना तो आपको आता ही है ना, टू और ये हो गया फाइव, और ये हो गया, ये भी फाइव हो गया, ये हो गया टू हो गया, और ये सेवन, ये आपका टोटल सेल है। तो क्या आप इतने पे आंसर छोड़ दोगे, सिर्फ टोटल सेल लिखा के आंसर छोड़ दोगे, नहीं आपको स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी जिसमें इसमें आपसे पूछा गया था फाइंड द टोटल सेल ऑफ ईच मॉडल एंड कलर एज अ बोथ मंथ, ठीक है। तो आप इसमें स्टेटमेंट में प्रॉपर लिखोगे कि टोटल सेल ऑफ जैन एंड फेब आर, और आप इसे मैट्रिक्स में बनाओगे, समझ में, तब आपका एक आंसर कंप्लीट होगा। लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ जो पेपर में आने वाली चीजें जो आपके समझ के पर है, तो पहले उतार लूँ उसके बाद। इस क्वेश्चन की खासियत, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 1999 में पूछा है, कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फाइव क्या मैंने उतारने के लिए आपको दिया है, एंड जो है वो आपको ले लेना। एग्जाम्पल फाइव पेज नंबर 2.5 एंड एग्जाम्पल आपका फाइव है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है, 1999 और 2006 SOL में है। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, कह रहा है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और इसमें भी मैट्रिक्स बनी बनाई है, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो यूज करती है तीन टाइप्स के ट्रक, तो उसने बना के दे दिया ट्रक वन, ट्रक टू, ट्रक थ्री। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें मैं आपको मैट्रिक्स बनाना सिखाऊं, तो खैर आप ही आपको मैं वो भी दिखा दूंगा, पहले सिंपल सा निपटाते हैं। और वी थ्री जिसमें वी वन वी टू क्या है, ये टी फोर ट्रांसपोर्ट है, वी फोर व्हीकल्स है, तो ये आपका वन। आप साथ साथ इसे इसको उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, जो चीज आपको उतारनी है आप उतारो, और जो चीज नहीं उतारनी हो तो मत उतारो। ये टू थ्री एंड टू, नीचे लिखा है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल, यानी आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ ईच टाइप्स व्हिच कैन ट्रांसपोर्टेड कंपनी हैज 10, 20 एंड 30 ट्रक्स। ओके, ये जो पूरा एक प्रॉपर एलिमेंट ये हो गया, और आपको फाइंड करना है व्हीकल यानी वी फाइंड करना है आपने, अगर ट्रांसपोर्ट की वैल्यू, ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंपनी इज कितना दिया 10, 20 एंड 30 ट्रक, बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है और हमें इसको फाइंड करना, इतना पहले उतारो उसके बाद इधर सॉल्व करते हैं। ये ट्रक की वैल्यू है ना, कितने कितने ट्रक हैं, टी वन में 10 है, टी टू में 20 है।
निकाल लिया। दोबारा से क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ। कह रहा है ट्रांसपोर्ट कंपनी यूज थ्री टाइप्स ऑफ ट्रक, अलग अलग टाइप के ट्रक्स होंगे। अब ये नहीं कि सारे ट्रक एक जैसे होते हैं, कोई ट्रक ऐसा होता है जो जिसकी वेटेज यानी हम कह रहे कि कम भार लेके जाता है, कुछ ज्यादा लेके जाता है, कुछ कंटेनर टाइप का होता है जो सिर्फ कंटेनर को ही लेके जाता है। तो ये कह रहा है थ्री टाइप्स के ट्रक है जिसको हमने अलग अलग नाम दिया T1, T2 और T3। और उसके बाद कह रहा है टू ट्रांसपोर्ट थ्री टाइप्स ऑफ व्हीकल, और व्हीकल भी हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के जो कि ये प्रॉपर बना के दिए। ये मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे अभी हम, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड को हमें इस्तेमाल करके फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल, पहले आप ये ढूंढना कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, आपको बोला है फाइंड द व्हीकल, तो क्या करेंगे, इसको व्हीकल वाले को इधर आ जाएगा और ट्रांसपोर्ट वाला ऊपर ऊपर आ जाएगा। मेरी बात समझ में? जो चीज हमें फाइंड करनी पड़ती है वो रॉ में चली जाती है। ठीक है, और जो चीज अब वही है कि ये पहले कॉलम में था, भी रॉ में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे ना, बस इसी को याद रखना और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा जब भी आप कोई चीज करेंगे। तो ये सारी चीजें अब आपको ये आ जाएगा V1, V2 और V3 मैट्रिक्स में। ठीक है, और ये आपका हो गया ट्रांसपोर्ट 1, ट्रांसपोर्ट 2 और ट्रांसपोर्ट 3। हमने इसे चेंज क्यों किया, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, व्हीकल फाइंड करना है। ठीक है, और उसके भी वजह आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि अगर एक चीज को हम अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत नहीं आएगी। अभी बताओ व्हीकल्स की वैल्यू कितनी थी, 1, 2, 3 थी, अभी ऐसे इसमें आ जाएगी 1, 2 एंड 3। इस वाले व्हीकल की क्या थी, 3, 2, 2 पक्का ना? हाँ। तो ये 3, 2 एंड 2। तीसरे वाले का 2, 3, 2 बन गया मैट्रिक्स। बात समझ में? और वाई, अब वाई में क्या लेंगे, क्योंकि एक एक्स हो गया और एक वाई लेना। वाई में ये वाली चीजें आएंगी, ये हमें क्या दिए हुए, ट्रक्स दिए हैं, यहाँ पे लिखा है ट्रक्स है। तो ये ट्रक दिए हैं, तो हम इसको T1, T2 और T3। अब जरा देखेंगे ये 10, 20 एंड 30। अच्छा, अब मैंने आपको वही मैंने आपको बताया था ना R into C वाला, कि कब हमें सॉल्व ये होगा कि नहीं होगा, एक बार चेक करना है ना। तो अगर हम देखें तीन रॉ और तीन कॉलम है ना, और अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो एक रॉ ले तीन रॉ एक कॉलम, तीन रॉ एक कॉलम, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रॉ जब तक बराबर ना हो तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता है ना। अगर मैं इसको किस में रखता, ऐसे करके रखता तो आंसर नहीं होता। आप रख के देख लो 10, 20 और 30। अब जरा देखो कि यहां पर कॉलम तीन है लेकिन रॉ कितना है, एक। और मैंने कहा था पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रॉ जब तक बराबर नहीं होगा सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब ये तो यूज नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ट्रक को रॉ में नहीं लिया। अब समझ में मेरी बात कि हमें कब कैसे इस्तेमाल करना है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो ये तो 3 to 3 के में हो गया, और ये तीन रॉ और एक कॉलम में हो, कॉलम एक ही है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाए। अब कैसे सॉल्व करना है इसको, इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई वाला नहीं किया था हमने, याद है कैसे मल्टीप्लाई किया था हमने, यस। अब इसे मल्टीप्लाई करके जरा आप इसे सॉल्व करो, मेरे को बताओ कितना आए हो, और मैं भी इधर सॉल्व करता हूं। 2, 2, 3 एंड 3, 2, 2। एक तो ये हो गया, और इसके साथ हमें ट्रक वाली वैल्यू लेनी है 10, 20 और 30। सॉल्व किया, पहले वाले का रो और इसका कॉलम पूरा मल्टीप्लाई, यानी 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये जो 3 है ये तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 into 30। पहले वाले का आंसर यहां हो जाएगा। उसके बाद अब दूसरे, जब पहला रॉ खत्म हो जाएगा तो दूसरे रॉ से शुरुआत करेंगे, दूसरे रॉ का 3 into 10 plus 2 यानी दूसरा वैल्यू प्लस 20, और उसके बाद नेक्स्ट आपका बचा 2 into 30।
2 × 30 इसे सॉल्व करना, और लास्ट अब थर्ड वाला कॉलम बच गया, अब थर्ड कॉलम को भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 10 अब 3 × 20 प्लस 2 × 30 ये आपका आंसर आ जाएगा। बता दो कितना कितना है, 140, 130 और 140। आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोला था, व्हीकल फाइंड करने के लिए कहा था, अगर ये ट्रक्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, अलग अलग व्हीकल, यानी व्हीकल वन आपका 140 हो गया, व्हीकल टू आपका हो गया 130, और व्हीकल थ्री 140, और व्हीकल थ्री आपका हो गया 140। तो पहले ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं, हमें कब कैसे किस चीज को चेंज करना है वो डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर यहाँ मेरे को ट्रक फाइंड करने के लिए बोलता है ना, तो सीधा लिख देते उसको। तो अगर यहाँ ट्रक फाइंड करने के लिए बोलते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में फिर मेरे को यहाँ ट्रक नहीं दिया होता, व्हीकल दिया होता, तो फिर मेरे को चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो मुझे फाइंड करना ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है ना। मेरे को व्हीकल फाइंड करने के लिए कहा, इसलिए मैंने पहले उसको इसमें चेंज करके फिर ऐसा सोचा है। ये बात समझ में है, क्लियर है, पक्का? चलो ये कंप्लीट हो गया आपका, मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा आपको करने के लिए।